बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज जो रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है स्टेन ग्लास जेली केक। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो मैंने ये ली हुई है 5 डिफरेंट कलर्स की जेली, जो कि मैंने एक एक कप पानी के साथ बॉयल करके तो जमा लिए। ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे तरीके से सेट हो गई है। अगर आप 2 ग्लास पानी लेंगे तो ये जो है वो सही तरीके से सेट नहीं होगी, इसलिए आप लोग 1 ग्लास पानी लें। बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है 250 ml पानी चाहिए हमें, और ये मेरे पास रखा हुआ है 2 टेबलस्पून जेलेटिन जो हम इस पानी में डिसॉल्व करेंगे, साथ में 300 ग्राम्स कंडेंस्ड मिल्क, 200 ml क्रीम, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, और ये मेरे पास रखा हुआ है कुकिंग स्प्रे जो कि हम अपने इस बंडेड पैन को ग्रीस करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आप लोग के पास अगर ये अवेलेबल ना हो तो आप हल्का सा ऑयल या बटर से भी इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम इन तमाम जेलीज को काट के क्यूब में कर लेते हैं। अब हम सबसे पहले एक सॉस पैन में 2 टेबलस्पून अपना जेलेटिन और अपना 250 ml पानी इसको सोक होने देंगे थोड़ी देर के लिए। इसको थोड़ी देर हमने सोक होने दिया है और अब हम इसको चूल्हे पे रख के थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे। इस तरह हमने इसको अच्छे तरीके से डिसॉल्व कर लिया है और अब हम अपने बाकी के तमाम इंग्रेडिएंट्स जग में डालेंगे। सॉरी, मैं ये जो है वो करना भूल गई थी, थोड़ा सा इसको अब हम अपने तमाम इंग्रेडिएंट्स जग में डालेंगे। जेलेटिन, वाटर, कंडेंस्ड मिल्क, वनीला एसेंस और क्रीम। अब हम इनको सबको ब्लेंड कर लेते हैं। अब इस तरह के मिक्सचर को हम आराम से अपने बंडेड पैन में पोर कर देंगे और हल्के हाथ से अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको अब हम ओवरनाइट के लिए फ्रिज या फ्रीज़र में, अगर आपके पास टाइम कम हो तो फ्रीज़र में, वरना फ्रिज में आप इसको ओवरनाइट इसको जमने के लिए रख दें। अब ये मैंने ओवरनाइट इसको रख दिया था और अब हम आराम से इसकी सारी साइड्स को यूं करके तो अपनी जो आपकी केक की डिश है उस पर हम आराम से इसको प्लेस करके ओवर टर्न कर लेंगे। और आप देख सकते हैं हमारी रेसिपी का फाइनल लुक। इसको कट करने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी देख सकते हैं कि कितने प्यारे डिफरेंट कलर्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। इसको आप थोड़ा सा स्लाइड डाउन कर लें, सेंटर में हो जाए। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।